हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आई एम रिचा। वेलकम बैक टू परचम। आज का जो सेशन है उसमें हम करंट अफेयर्स डील करेंगे, मंथली करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ मई 2021। और आपको पता होगा अगर आप चैनल फॉलो कर रहे हो कि हम मंथली करंट अफेयर्स दो पार्ट में लेकर के आते हैं। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे नेशनल और स्टेट इंपॉर्टेंस की न्यूज़, और कल एक वीडियो आएगा जिसमें हम इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की न्यूज़ देखेंगे। उसके अलावा मिसलेनियस कैटेगरी डील करेंगे जिसमें कि अपॉइंटमेंट्स आ जाएंगे, बुक्स एंड ऑथर्स आ जाएंगे, कुछ अवार्ड्स रिकॉग्निशंस होंगे वो आएंगे, स्पोर्ट्स की न्यूज़ आ जाएगी। इंपॉर्टेंट डेज अब नहीं आएंगे बिकॉज उसका एक एक्सक्लूसिव अलग से वीडियो आ चुका है, मई 2021 के इंपॉर्टेंट डेज और थीम। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, सो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं जिसमें हम नेशनल और स्टेट इंपॉर्टेंस के मंथली करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। ओके, आगे बढ़े उससे पहले देखो आप लोगों की बहुत क्वेरीज आ रही है, इसलिए आई एम पुटिंग इट फटाफट से यहाँ पे कि जो मंथली करंट अफेयर्स हैं 2020 के, यानी कि जनवरी से लेके दिसंबर 2020 के मंथली करंट अफेयर के वीडियोस और पीडीएफ आपको परचम ऐप पे मिल जाएंगे। क्लब करके दोनों चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी, सो प्लीज़ डू नॉट वरी, गायब नहीं हुए हैं, ऐप के ऊपर ट्रांसफर हो गए, सो यू कैन गो एंड चेक आउट देयर। चलिए नेशनल न्यूज़ से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है, Recently, who inaugurated the National Kharif Conference 2021? यानी कि हाल ही में जो National Kharif Conference हुई, राष्ट्रीय खरीफ सम्मेलन 2021, उसका उद्घाटन किसने किया? तो खरीफ कॉन्फ्रेंस क्या है? जो खरीफ क्रॉप होते हैं, खरीफ क्रॉप क्या होते हैं, कौन से सीजन में उगाए जाते हैं, वो सब नीचे लिखा हुआ है, अभी उसको देखते हैं, उससे पहले आंसर देख लेते हैं। सो नेशनल खरीफ कॉन्फ्रेंस जो हुई उसको इनॉग्रेट किसने किया, उद्घाटन किसने किया? आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर, और नरेंद्र सिंह तोमर हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं एग्रीकल्चर के, तो वही करेंगे। ठीक है, देन अगर अभी तक आपको याद नहीं हो तोमर साहब एग्रीकल्चर के, तो तुअर दाल होती है, तुअर से तोमर मिलता जुलता, ऐसे कर सकते हो। नहीं तो अगर एग्रीकल्चर नहीं होगा तो सब मर जाएंगे, खेती बाड़ी नहीं होगी तो मर जाएंगे, तो तोमर आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो। नाउ क्यों ऑर्गेनाइज की गई? जो खरीफ सीजन में जो भी खेती होती है उसमें जो चैलेंजेस आते हैं, क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, उससे जुड़ा हुआ ये पूरा कॉन्फ्रेंस था। और खरीफ क्रॉप या खरीफ सीजन क्या होता है? मॉनसून शुरू होने से पहले जो बुआई की जाती है इस पूरे पीरियड में, उसको खरीफ क्रॉप कहा जाता है। राबी और खरीफ दो तरह की फसल होती है, और अर्ली मई में ये क्रॉप बोया जाता है, और इसको मॉनसून क्रॉप्स या ऑटम क्रॉप्स भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु पार्टिसिपेटेड इन यूरोपियन यूनियन मीटिंग ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया? हाल ही में यानी कि मई महीने में यूरोपियन यूनियन ने अपने 27 मेंबर नेशंस के साथ में एक मीटिंग की, और उसमें इंडिया को भी इनवाइट किया, इनवाइटेड था। सो इंडिया की तरफ से किसने वो मीटिंग अटेंड की? ऑफकोर्स हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वही अटेंड करेंगे, सो पीएम नरेंद्र मोदी ने की स्पेशल इनवाइटी के तौर पे। और ऐसा पहली बार हुआ कि यूरोपियन यूनियन और उसके सभी 27 मेंबर्स, ये जो EU प्लस 27 फॉर्मेट है, इसमें पहली बार इंडिया को न्योता दिया गया। और इस साल हमसे पहले अमेरिका के साथ में ये मीटिंग की गई थी, EU यानी यूरोपियन यूनियन प्लस 27 मेंबर्स के साथ में। और पूरे साल में जो दूसरा नेशन है जिसके साथ में ये मीटिंग की गई एज एन इनवाइटेड गेस्ट और नेशन, तो वो इंडिया था। नाउ ये जो मीटिंग थी ये किसने होस्ट की? पोर्टुगल के प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग होस्ट की, और उनका नाम है एंटोनियो कॉस्टा। और जो इनविटेशन आया इंडिया को वो यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट की तरफ से आया, और उनका नाम क्या है? चार्ल्स माइकल। ऑलराइट, सो जो भी इंपॉर्टेंट बातें वो ये रही। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द थर्ड आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग? थर्ड आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई, अभी तक की तीसरी ऐसी मीटिंग, और उसमें इंडिया का रिप्रेजेंटेशन किसने किया? तो देखिए अर्थ एंड साइंसेज में या साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर कौन है हमारे, वही करेंगे रिप्रेजेंट, तो डॉक्टर हर्षवर्धन, हु इज़ द यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अर्थ साइंसेज। और भी एक मिनिस्ट्री है जिसको ये हेड करते हैं, बताएंगे आप? चलिए बताइए, दो मिनिस्ट्रीज मैंने बता दी, तीसरी मिनिस्ट्री कौन सी है जिसको लीड करते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन? नाम बताइए उस मिनिस्ट्री का, जल्दी से कमेंट करो। अच्छा, अब ये जो मीटिंग थी आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग, ये बेसिकली आर्कटिक से रिलेटेड जो भी वहाँ के साइंस होना है फ्यूचरिस्टिक विजन को देखते हुए उसके ऊपर बातचीत होती है। और ये इस बार जॉइंट ऑर्गेनाइज की थी जापान और आइसलैंड ने 2021 में, और एशिया में ऑर्गेनाइज होने वाली ये पहली मीटिंग है, इस बार फर्स्ट मीटिंग थी जो एशिया में ऑर्गेनाइज हुई है। एंड इंडिया ने भी अपने रिसर्च एंड लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन प्लान शेयर किए जो कि आर्कटिक
में वो प्लान करता है इन द ईयर्स टू कम. देन नेक्स्ट पॉइंट इज विच नंबर वॉज द मीटिंग ऑफ द हेल्थ मिनिस्टर्स ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्रीज हेल्ड रिसेंटली. यानी कि हाल ही में कॉमनवेल्थ कंट्रीज की एक मीटिंग हुई. कॉमनवेल्थ कंट्रीज में भी अच्छा कॉमनवेल्थ कंट्रीज को हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रमंडल देश. राष्ट्रमंडल देशों के भी स्वास्थ्य मंत्रियों की यानी कि हेल्थ मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई. और ये कौन से नंबर की मीटिंग थी? पहले भी होती रही है कॉमनवेल्थ नेशंस के हेल्थ मिनिस्टर्स की मीटिंग. 2021 में मई में जो मीटिंग हुई वो कौन से नंबर की थी? द आंसर इज 33rd, 33वें नंबर की मीटिंग थी. और कौन इसको किसने प्रिजाइड किया? इंडिया की तरफ से थी इस बार. और यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, ही प्रिजाइडेड ओवर द मीटिंग और द कॉन्फ्रेंस. इन्होंने अध्यक्षता की थी. चलिए अब यहाँ पे आपके लिए दूसरा सवाल आता है. बताइए कितने कॉमनवेल्थ नेशंस हैं टोटल, यानी कि कॉमनवेल्थ नेशन में टोटल कितने नेशंस इंक्लूड किए जाते हैं, नंबर बताना है. जल्दी से बताओ. आपको ये तो पता है कॉमनवेल्थ नेशंस क्या होते हैं, वो जो ब्रिटिश राज के अंदर में कभी ना कभी रहे थे, ब्रिटिश क्राउन के अंडर में, ठीक है, वो कॉमनवेल्थ नेशंस में आते हैं. नेक्स्ट, द नेम ऑफ विच अरेबियन सी साइक्लोन मीन्स गेको. गेको एक छिपकली होती है ना. सो ऐसा कौन सा अरब सागर का साइक्लोन, ये जो इंडिया है तो ये अरब सागर और ये बे ऑफ बंगाल, सो कौन सा अरब सागर का साइक्लोन है जिसका नाम गेको, जिसके नाम का मतलब होता है गेको? तो आंसर इज ताउते. साइक्लोन ताउते जो हाल ही में आया था और बहुत न्यूज़ में रहा, बहुत ज़्यादा हाई हिट रहे कुछ एरियाज उससे. सो जो साइक्लोन ताउते था उसका नाम ये किसने दिया? सवाल इस तरह से भी बन सकता है, ताउते का नाम कौन से देश ने दिया? नाम दिया म्यांमार ने. नाम कौन से देश ने दिया? म्यांमार ने दिया. अब अरब सागर यहाँ है, म्यांमार उस साइड है ना, हमारे ईस्ट साउथ ईस्ट में पड़ता है, कंफ्यूज मत होइएगा. म्यांमार ने इसका नामकरण किया है. और ताउते का मतलब होता है गेको, छिपकली होती है, एक बहुत फास्ट छिपकली होती है. और 2021 का ये पहला ऐसा साइक्लोन स्टॉर्म था जो कि इंडियन कोस्ट पे यानी कि हिंदुस्तान की तट रेखा पे जिसने हिट किया. और इसकी कैटेगरी क्या थी? वेरी सीवियर साइक्लोनिक कैटेगरी में इसको डाला गया, जिसमें कि 150 से 160 किलोमीटर पर आर की स्पीड से हवाएं चलना देखा गया. कौन कौन से एरियाज को इसने हिट किया? जितने भी अरब सागर की साइड जो कोस्ट हैं, हमारे जो वेस्टर्न कोस्ट से लगे हुए स्टेट्स हैं, केरला, कर्नाटका, गोवा, तमिलनाडु, देन कुछ हिस्से कर्नाटका के, तमिलनाडु के भी अफेक्ट हुए, देन गुजरात, महाराष्ट्र और पाकिस्तान तक इसका असर देखने को मिला. नाउ ये तो हुई ताउते की बात. अब इसके अलावा, क्योंकि साइक्लोन जिस भी साल में साइक्लोन कोई मेजर साइक्लोन हिट करता है तो एग्जामिनेशन में सारे इंपॉर्टेंट, थोड़े पिछले सालों के साइक्लोन्स भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो उन पे भी नज़र रखना ज़रूरी है. तो कुछ नोटेबल साइक्लोन्स जिन्होंने कि गुजरात और महाराष्ट्र कोस्ट को पिछले कुछ सालों में अफेक्ट किया है, तो वो देख लीजिए. मेकानू 2018 में आया, वायु 19 में और निसर्ग 2020 में. मेकानू, वायु, निसर्ग, MVN. ओके, अब इसको आप कैसे भी आगे पीछे करके करना चाहें तो नम से कर सकते हो, कि ये जब तूफान आए तो महाराष्ट्र और गुजरात नम हो गए, एकदम नम्ब होता है वैसे तो NUMB, है ना, नम्ब मतलब जब आपको कोई सेंसेशन ना हो, तो नम से आप कर सकते हो, आप बहुत नमी हो गई क्योंकि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स थे. कैसे भी आप ये तीन नाम याद रख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी साइक्लोन से रिलेटेड है. एंड द क्वेश्चन इज विच कंट्री नेम्ड साइक्लोन यास. एक और साइक्लोन आया जो कि बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी से शुरू हुआ, और उसका नाम यास किसने दिया, कौन से देश ने दिया? आंसर इज ओमान. अब देखो, बंगाल की खाड़ी में पड़ रहा है, नाम किसने दिया? ओमान ने दिया है, अरब मिडिल ईस्ट वाले नेशन ने दिया है. ठीक है, अब आपसे अगला सवाल आता है. बताइए यास का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यास? ये आप बताएंगे. बहुत खूबसूरत सा मीनिंग है, पता नहीं तूफानों के इतने प्यारे नाम क्यों रखते हैं, पर है तो बताइए. चलिए, बे ऑफ बंगाल में अरोज हुआ और कौन से स्टेट्स को मेजरली हिट किया? वेस्ट बंगाल और ओडिशा को, जो कि उस कोस्ट पे पड़ते हैं, उनको हिट किया. अब एक जनरल सा साइक्लोन्स की अगर हम बात करें, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की, जो इंडिया में आते हैं वो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं क्योंकि हम ट्रॉपिक्स में पड़ते हैं. सो जनरली आपको पता होना चाहिए कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होते हैं, कौन से साइड में ज़्यादा आते हैं. पहले बे ऑफ बंगाल में ही ज़्यादा आते थे, अब अरब सागर में भी क्यों उठने लग गए हैं? सो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को गर्म पानी और नमी वाली हवा की ज़रूरत होती है, तभी ये डेवलप होते हैं. और ये दोनों कंडीशंस इनको बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा और अरब सागर में कम देखने को मिलती है, बिकॉज बे ऑफ बंगाल के पानी कंपैरेटिवली गर्म है. लेकिन क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के चलते अब अरेबियन सी का पानी भी कंपैरेटिवली टेम्परेचर राइज होता जा रहा है, और इसलिए अब अरेबियन सी में भी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की टेंडेंसी बढ़ती जा रही है. ऑलराइट,
और ये जो साइक्लोन्स हैं, इंडियन साइक्लोन्स जिन्हें हम बोलेंगे, ये यूजली प्री मानसून या पोस्ट मानसून के बाद ज़्यादा देखने को मिलते हैं, मानसून के आने से पहले या उसके बाद में. ऑलराइट देन. और जो नोटेबल साइक्लोन्स थे 2020 के जो कि बंगाल की खाड़ी या बे ऑफ बंगाल में देखने को मिले, एक तो आम्फान आपको पता होगा और एक निवार. ये 2020 में दोनों तूफान बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल में आए थे. चलिए अगला क्वेश्चन आता है, हु हैज रिसेंटली लॉन्च श्वास एंड अरोग स्कीम्स, यानी कि कौन सी एक ऐसी संस्था या ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अरोग और श्वास स्कीम को लॉन्च किया है. आंसर इज सिडबी. यस, ये सिडबी. ये दोनों नाम से ऐसा लग रहा होगा श्वास और आरोग्य के कुछ हेल्थ से रिलेटेड स्कीम्स होंगी और आंसर आप गलत मार्क कर सकते हो, लेकिन ये जो स्कीम्स हैं ये सिडबी से रिलेटेड हैं, यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो कि लोन्स वगैरह प्रोवाइड करता है यूजली माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को, और उसी के तहत ये दोनों योजना है. क्या है ये योजना? जितनी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस या इंडस्ट्रीज या संस्थाएं थी या फिर स्टार्टअप्स थे, ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि हेल्थ से रिलेटेड कुछ ना कुछ सामान बना रहे हैं, जैसे कि ऑक्सीमीटर बना रहे हैं या हेल्थ सेक्टर में ऑक्सीजन से रिलेटेड कुछ बना रहे हैं, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हो गए, दवाइयाँ कुछ बना रहे हैं, तो इनको लोन्स देने के लिए ये स्कीम चालू की गई कि आप लोगों में श्वास और आरोग्य फैला रहे हो तो हम आपको लोन्स दे रहे हैं, 2 करोड़ रुपये तक का लोन हम आपको कम ब्याज दरों पर प्रोवाइड करेंगे. अब पढ़ लेते हैं फटाफट से. श्वास स्कीम सिडबी असिस्टेंस टू हेल्थ केयर सेक्टर. हेल्थ केयर से जुड़ी हुई जितनी भी कंपनीज हैं उनको ये स्कीम पर्टिकुलरली देने के लिए बनाई गई, श्वास इसका नाम रखा गया. और एक है आरोग्य स्कीम जिसमें कि सिडबी असिस्टेंस देगा एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को ताकि वो ऑर्गेनिक ग्रोथ ड्यूरिंग COVID-19 पेंडेमिक और रिकवरी कर सके. पेंडेमिक के टाइम में बिजनेस भी घाटा हुआ, फिर भी आपको नई नई चीज़ें बनानी हैं तो इन्वेस्टमेंट लगेगा, उसके चलते ये सारे लोन्स जो हैं कम दरों पे, कम शर्तों पे और बहुत जल्दी प्रोसेस हो जाए, इस तरह से लोन निकाले गए. सो अंडर दिस एमएसएमई विल बी गिवन लोन अप टू 2 करोड़ रुपीज एट वेरी लो इंटरेस्ट रेट. और इससे क्या होगा, फंडिंग हो जाएगी कि आपको जो भी सामान बनाने हैं हेल्थ केयर को फैसिलिटेट करने के लिए, एक तो हेल्थ केयर को दे रहे हैं, हेल्थ केयर से जुड़ी हुई कंपनीज को दे रहे हैं, तो ऑक्सीजन सिलेंडर, कॉन्सेंट्रेटर, ऑक्सीमीटर, दवाइयाँ ये सब बनाने के लिए आपको फंडिंग मिल जाएगी. ठीक है, तो श्वास और आरोग किससे रिलेटेड है? सिडबी से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट हम आ जाते हैं, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ FDI इन इंडिया फॉर 2020-2021, यानी कि फिनेंशियल ईयर 2020-2021 की हम बात करें तो कौन सा ऐसा देश था जिससे मैक्सिमम FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि FDI को और क्या बोलते हैं, विदेशी, अभी आगे आ जाएगा हिंदी में लिखा हुआ भी, सो FDI आया और आंसर इज सिंगापुर. 29% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सिंगापुर ने इंडिया में किया अलग अलग सेक्टर्स में. सेकेंड नंबर पर रहा US, थर्ड नंबर पर रहा मॉरिशस. सो 29% के साथ सिंगापुर, एंड दे मस्ट बी सिंगिंग, ओ वाओ यहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट किया और अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा शायद. देन नेक्स्ट हम आ जाते हैं अगले सवाल पे. रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज़ रिड्यूस द IGST ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स फ्रॉम 28% टू वॉट परसेंटेज, यानी कि हाल ही में सरकार ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स के आयात पे यानी कि इम्पोर्ट करने पे जो IGST लगता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगता है, उसको 28% से घटाकर कितने परसेंट कर दिया गया? आंसर इज 12%. 12% कर दिया गया. अब इंटीग्रेटेड GST है क्या? अब देखो नॉर्मली 3 कैटेगरीज होती हैं GST की. एक होता है सेंट्रल GST, CGST जिसको बोलते हैं, एक होता है SGST, स्टेट GST जिसको बोलते हैं, CGST, SGST और ये एक तीसरा होता है IGST. सरल सी आम सी भाषा में समझो कि IGST में ये दोनों कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर आप कुछ खरीद और लेन देन कर रहे हो, यानी कि कुछ सामान यहाँ से वहाँ बेच रहे हो या खरीद रहे हो तो टैक्स लगेगा, तो स्टेट GST आ गया. और सेंट्रल GST कि अगर आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो तो भी टैक्स लगता है. तो ये इंडिविजुअल कैटेगरी, इन दोनों को अगर आप जोड़ देते हो तो IGST बनता है, यानी IGST में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे भी GST देना होता है और स्टेट में ट्रांसफर्स करने पे भी देना होता है, और इंट्रा पे नहीं, इंट्रा अलग होता है, इंट्रा मतलब स्टेट के विदिन. सो कुल मिला के मोटे मोटे तौर पे समझिए कि IGST में अगर आप दो स्टेट्स के बीच में कुछ खरीद बेच कर रहे हैं या बाहर के किसी देश से खरीद बेच कर रहे हैं तो टैक्स GST लगता है, और वो जो इम्पोर्ट इसके तहत
जब आप बाहर से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स मंगा रहे थे किसी और देश से, तो अभी तक 28% आपको GST देना पड़ता था, अब उसको घटा के 12% कर दिया गया। ठीक है, क्यों किया गया? ताकि हम और इम्पोर्ट करें। ठीक है, चलिए। रिसेंटली विद स्टेट मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द प्रोग्राम युवा प्राइम मिनिस्टर स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर्स। एक पहल शुरू हुई है या एक ऐसा प्रोग्राम चालू हुआ है जिसका नाम है युवा प्राइम मिनिस्टर स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर्स। और ये कौन सी मिनिस्ट्री ने किया? तो देखो, लिखने पढ़ने से रिलेटेड ऑथर्स है तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आ जाएगा, है ना। रमेश पोखरियाल निशंक उसके वो हैं मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। अब ये जो युवा नाम इन्होंने दिया है, इसका मतलब, इसका फुल फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है? यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। बेसिकली नौजवानों के अंदर जो 30 ईयर्स से कम एज के हैं, उनके अंदर लिखने का शौक डेवलप हो, उसकी स्किल डेवलप हो, इसके लिए मेंटरिंग दी जाएगी, ताकि वो अलग अलग जॉनर्स में, फिक्शन हो, नॉन फिक्शन हो, कोई भी अलग जॉनर्स जो राइटिंग के होते हैं, उसमें वो लिखने का हुनर डेवलप कर सकें और आगे आने वाले टाइम में अच्छे अच्छे ऑथर्स देश को मिले। सो इसके लिए ये पूरा प्रोग्राम लॉन्च किया गया है और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में ये लॉन्च किया गया है। फिर चलते हैं आगे। फ्रॉम विच कंट्री विल हेरोन लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन बी इम्पोर्टेड इनटू इंडिया? यानी कि इंडिया इम्पोर्ट करने वाला है हेरोन लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन। ड्रोन आपको पता होगा, अब तो बहुत फेमस हो गया, शादियों में तो बहुत देखने को मिलते हैं, ड्रोन चला दो और वीडियो कैप्चरिंग होती रहेगी। सो ये जो ड्रोन्स हैं, ये अलग अलग पर्पज़ के लिए काम आते हैं। आपको विजिलेंस रखनी है, आपको शूट करना है, रिकॉर्ड करना है। सो हेरोन लॉन्ग एंड्योरेंस नाम का ड्रोन है जो कि हम इम्पोर्ट करेंगे। कौन से देश से ये हम मंगा रहे हैं? इसराइल, ताकि हमें रियल इमेज कैप्चर हो ड्रोन से। रियल इमेज के लिए हम इसराइल से मंगा रहे हैं, ऐसे आप याद रख सकते हो। और ये क्यों मंगाए जा रहे हैं ड्रोन? ये इसलिए मंगाए जा रहे हैं ताकि हम विजिल रख सकें, यानी कि नज़र रख सकें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लद्दाख वाले रीजन के अंदर। ओके, चलिए। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कौन से इंडिया और कौन से देश के बीच की लाइन है, बताइएगा। हु रिसेंटली टेस्टेड दी पाइथन मिसाइल? हाल ही में पाइथन मिसाइल टेस्ट हुई और वो किसने टेस्ट की? DRDO ने ये मिसाइल टेस्ट की है। सो बेसिकली इंडिजिनसली डेवलप्ड मिसाइल है, इसको टेस्ट कर लिया गया सक्सेसफुली। अब ये इंडिया में ही डेवलप्ड क्राफ्ट यानी एयरक्राफ्ट के अंदर लगाई जाएगी, एयर टू एयर वेपन की तरह काम करेगी। देख लेते हैं कहाँ हुआ ये टेस्ट। गोवा के अंदर टेस्ट हुआ है इसका, इस मिसाइल का, पाइथन मिसाइल। पाइथन समझते हैं, पाइथन बहुत बड़ा अजगर होता है ना, तो अजगर हमें दिख जाए तो हम बोलेंगे ना, गो पाइथन गो। तो पाइथन मिसाइल कहाँ टेस्ट हुई है? गोवा के अंदर हुई, आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं। एयर टू एयर वेपन पैकेज में ऐड हो जाएगी तेजस के। तेजस इंडिजिनसली यानी कि भारत में ही बने हुए एयरक्राफ्ट्स हैं और उसमें ये ऐड हो जाएगी। और स्टेट ऑफ आर्ट गाइडेड मिसाइल्स, सबसे बढ़िया मिसाइल्स में से एक है ये दुनिया के। नेक्स्ट हम आते हैं। रिसेंटली द नेवीज ऑफ इंडिया एंड इंडोनेशिया कंडक्टेड पैसिक्स एक्सरसाइज। अब आपको पता होगी पैसिक्स एक्सरसाइज कौन से दो देशों के बीच में होती है, वैसे तो यहाँ लिखा है, नहीं तो हमने मिलिट्री एक्सरसाइजेस पूरी की थी 2020-21 की। सो पैसिक्स इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में हुआ हाल ही में, कहाँ पर हुआ, कौन से वाटर्स में हुआ, आपसे सवाल किया गया। अरेबियन सी में। अब ये कन्फ्यूजन क्यों आता है बच्चों को? इंडिया इस साइड है, इंडोनेशिया साउथ ईस्ट में पड़ता है, सो हो सकता है बे ऑफ बंगाल में किया हो, तो लेकिन नहीं, ध्यान आप रखेंगे, अरेबियन सी में हुई है एक्सरसाइज और इंडिया की तरफ से चेतक हेलीकॉप्टर और इंडियन INS शारदा ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ठीक है, चेतक और शारदा। हु हैज रिसेंटली लॉन्च डायरेक्टरेट जनरल नेशनल कैडेट कॉर्प्स NCC मोबाइल ट्रेनिंग ऐप वर्जन 2.0, यानी कि DGNCC मोबाइल वर्जन ऐप 2.0 हाल ही में किसने लॉन्च की है? आंसर इज डॉक्टर अजय कुमार, जो कि डिफेंस सेक्रेटरी हैं। हमारे जितने भी कैडेट्स हैं NCC के, अब कोविड के चलते वो नहीं आ पा रहे हैं ट्रेनिंग फील्ड पे, उनकी ट्रेनिंग रुकी हुई है, तो वो ना रुके इसके लिए एक ऐप लॉन्च किया गया, उसका 2.0 वर्जन लॉन्च किया गया है। तो वो अजय रहें, वो जहां भी रहें वो अजय रहें, इसके चक्कर में लॉन्च किया है। तो डॉक्टर अजय कुमार आप याद रखिएगा, डिफेंस सेक्रेटरी हैं। और ये क्या हेल्प करेगी? घर ही बैठे वो अपनी ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं, अपने सारे सेशंस पढ़ सकते हैं, आपकी जितना भी एक्सरसाइजेस है वो ऑनलाइन देख सकते हैं इस ऐप के थ्रू। नेक्स्ट, रिसेंटली हु लॉन्च्ड हेल्थ OPD पोर्टल सेहत फॉर मिलिट्री पर्सनल। दो तरह से सवाल बन सकते हैं, सेहत जो पोर्टल है वो किन के लिए है? तो मिलिट्री के लोगों के लिए, मिलिट्री पर्सनल, पर्सनल मतलब लोग। ओके,
और दूसरी तरह से ये बन सकता है कि मिलिट्री पर्सनल के लिए जो हेल्थ ओपीडी पोर्टल या हेल्थ टेली कंसल्टेशन पोर्टल बना है उसका नाम क्या है, तो सेहत नाम है, ये भी आप याद रखिएगा। किसने इसको लॉन्च किया? राजनाथ सिंह ने, राजनाथ सिंह ने इनको लॉन्च किया है। कौन से मिनिस्टर हैं? डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है, यूनियन मिनिस्टर फॉर डिफेंस। सो सर्विसेज क्या होंगी? बेसिकली टेली कंसल्टेशन मिल जाएगा, आप इस ऐप के थ्रू ही कंसल्टेशन, इस पोर्टल के थ्रू ही, वेबसाइट के थ्रू ही कंसल्टेशन ले रहे हो, आपको जो भी बीमारियां हो रही हैं। सो इसमें किन किन को ये कंसल्टेशन दिया जाएगा? मिलिट्री के लोग, वेटरन्स यानी जो पहले मिलिट्री में थे अब छोड़ चुके हैं या रिटायर हो चुके हैं, और उनके परिवारों को, पर्टिकुलरली इनके लिए सेहत नाम का ऑनलाइन टेली कंसल्टेशन पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आते हैं, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर ऑफ इंडिया? पहली महिला फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर भारत की कौन बनी? इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पूरे इंडिया में पहली फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर बनी है। स्क्वाड्रन लीडर अश्रिता वी ओल्टे, अश्रिता वी ओल्टे कर्नाटका की ये हैं, और ये इवेल्युएट करेंगे जितने भी फ्लाइट सिस्टम्स वगैरह होंगे उनको इंडक्ट करने से पहले, इंडियन एयरफोर्स में उनको लाया जाए, शुरू किया जाए, उससे पहले शी विल बी टेस्टिंग एवरीथिंग। सो अश्रिता वी ओल्टे, तो अब इसके लिए आप कर सकते हो कि हम इन्हीं पे आश्रित हैं क्योंकि पहली महिला हैं, पहली महिला हैं, ये जैसा काम करेगी उसी से दूसरी महिलाएं इनसे इंस्पिरेशन लेंगी, तो हम इन पे आश्रित हैं, तो अश्रिता वी ओल्टे। नेक्स्ट, रिसेंटली विच कंपनी हैज अनाउंस दैट इट इज कंस्ट्रक्टिंग द लार्जेस्ट इंटरनेशनल सबमरीन केबल सिस्टम? हाल ही में कंपनी ने अनाउंस किया कि वो दुनिया का सबसे बड़ा सबमरीन केबल सिस्टम निर्माण कर रहा है, प्रोसेस में है, और जब ये पूरा हो जाएगा तो दुनिया में सबसे बड़ा सबमरीन यानी कि समुद्र के अंदर केबल सिस्टम होगा ये। तो कौन सी कंपनी है? रिलायंस जियो, रिलायंस जियो। इसमें तो आपको इधर उधर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये जो सबमरीन केबल नेटवर्क है बहुत सारी कंट्रीज को कनेक्ट करेगा, और ये जो केबल्स हैं इनके थ्रू इंटरनेट और टेलीकॉम सर्विसेज को सुचारू रूप से चलाया जा सकेगा। और कौन कौन से कंट्रीज हैं जिनसे इंडिया कनेक्ट हो जाएगा इन केबल नेटवर्क्स के थ्रू? तो इंडिया एशिया एक्सप्रेस होगा एक, तो इंडिया एशिया एक्सप्रेस जो कि ईस्ट बाउंड, मतलब पूरा इंडिया एशिया एक्सप्रेस सिस्टम है जो कि इंडिया को ईस्ट बाउंड कनेक्ट करेगा सिंगापुर और उससे आगे तक, इंडिया सिंगापुर और आगे तक की कंट्रीज, और एक वेस्ट बाउंड होगा जो कि इंडिया यूरोप एक्सप्रेस कहलाएगा। इंडिया एशिया एक्सप्रेस और इंडिया यूरोप एक्सप्रेस, यूरोप एक्सप्रेस मिडिल ईस्ट और यूरोप के कंट्रीज से इंडिया को जोड़ेगा। तो ये देख लीजिए, ये रहा इंडिया, एक ये पूरा सिस्टम है जो इस साइड के कंट्रीज से जोड़ेगा और एक है जो इधर के सारे कंट्रीज से जोड़ेगा ये केबल सिस्टम। नेक्स्ट आते हैं, विच यूनियन मिनिस्टर हैज बीन अवार्डेड इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल अवार्ड? कौन से यूनियन मिनिस्टर हैं जिनको की, केंद्रीय मंत्री हैं जिनको की अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? रमेश पोखरियाल निशांक जी जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, तो खुद भी लिखते पढ़ते रहते हैं और इन्हीं इसी मिनिस्ट्री में, और इसी के चलते उनको गोल्ड मेडल अवार्ड मिला है फॉर हिज आउटस्टैंडिंग सर्विस टू ह्यूमैनिटी थ्रू हिज राइटिंग सोशल एंड पब्लिक ऑब्लिगेशंस। जो इन्होंने लेखन का कार्य किया है उसके अलावा जो भी इन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मीट की हैं इसके चलते इनको ये सम्मान दिया गया है। और कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये सम्मान देती है या अवार्ड देती है? तो वर्ल्ड वाइड महर्षि ऑर्गेनाइजेशन और उसकी यूनिवर्सिटीज के थ्रू ये अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं, रिसेंटली हाउ मेनी इंडियन साइट्स हैव बीन एडेड और इंक्लूडेड इन द पॉसिबल लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? यानी कि कितनी भारतीय स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची, अब संभावित सूची इज डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल लिस्ट। एक्चुअल लिस्ट वो होती है जो कि डिक्लेयर हो गए होते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और संभावित सूची वो होती है कि जिनको कंसिडर कर लिया है, लेकिन हर साल क्योंकि लिस्ट एक बार निकलती है तो जब वो नई लिस्ट अनाउंस होगी तो ये संभावित सूची अनाउंसमेंट कैटेगरी में आ सकती है, ठीक है, संभावित है। सो संभावित सूची में 6 और नाम ऐड हो गए हैं इंडियन साइट्स के। कौन कौन सी वो साइट्स हैं जल्दी से देख लेते हैं। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, पता होना चाहिए, टाइगर रिजर्व बहुत जल्दी आपके लिए लेकर के आने वाली हूं मैं, ओके। रिवर फ्रंट ऑफ हिस्टोरिक सिटी ऑफ वाराणसी, यानी कि वाराणसी पे जो रिवर फ्रंट है यूपी का वो पूरा इसमें आ गया है। मेगालिथिक साइट ऑफ हिरबेंकल कर्नाटका, मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर इन महाराष्ट्र, बेड़ा घाट लेमटा घाट इन नर्मदा वैली जबलपुर एमपी, और टेंपल्स ऑफ कांचीपुरम
तमिलनाडु। अभी मैं याद नहीं करवा रही हूँ बिकॉज ये संभावित सूची में ऐड हुए हैं, तो धीरे धीरे जब आप पढ़ोगे तो एक तो आपको तब याद हो जाएगा और अगर ये लिस्ट में ऐड हो जाते हैं तब भी हम याद करेंगे। अभी के लिए थोड़ा सा नॉलेज में रख लीजिएगा कि एमपी से दो साइड्स आई हैं, यूपी से एक है, एक महाराष्ट्र से, एक तमिलनाडु और एक कर्नाटका से। नाम थोड़े से दिमाग में रख लीजिए, ऑप्शन आएगा तो आप हिट कर पाएंगे आंसर को। फिर हम आ जाते हैं, रिसेंटली यूएनईपी हैज रिमूव्ड होम फ्रॉम द पोस्ट ऑफ एम्बेसडर ऑफ कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। यानी कि हाल ही में यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी ने अपने एम्बेसडर को, एम्बेसडर फॉर कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स यानी कि जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के राजदूत के पद से किसको हटाया है, रणदीप हुड्डा को हटाया है, क्योंकि इनका 8-9 साल पुराना कोई एक क्लिप मिल गया जिसमें कि ये मायावती जी के लिए कुछ हास्यास्पद कुछ बात हो रही थी और इन्होंने भी अपनी हंसते हुए प्रतिक्रिया दी थी, तो उसको देखते हुए कास्टिज्म और कुछ कॉन्ट्रोवर्सी खड़ी हुई जिसके चलते इनको इस पद से हटा दिया गया। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम ORS इज डिजाइंड बाय। ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम डिजाइन किया गया, रिसाइकलिंग सिस्टम क्या है पहले वो समझ लीजिए। जो ऑक्सीजन ली जाती है थ्रू द ऑक्सीजन सिलेंडर, तो ऑक्सीजन कंज्यूम बहुत थोड़ी सी होती है बॉडी में, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में वापस ऑक्सीजन बाहर आती है, तो कुछ CO2 आती है और उसमें कुछ ऑक्सीजन आ जाती है, बिकॉज बहुत सारी ऑक्सीजन आप बॉडी में पंप कर रहे हो थ्रू द सिलेंडर्स, तो ये जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन बाहर आ रही है उसको CO2 से फिल्टर करके और रीयूजेबल बना लेने के लिए ये एक नया सिस्टम डेवलप किया। ये किसने डेवलप किया? आंसर इज इंडियन नेवी ने। ओके, बहुत इफेक्टिव सिस्टम है क्योंकि इससे एक ही सिलेंडर में से जो ऑक्सीजन काम नहीं आ रही बाहर वापस आ जा रही है रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू, उसको रीयूज कर सकते हैं, तो एक सिलेंडर की यूजिंग कैपेसिटी बढ़ा दी जाएगी इस तरह से। तो इंडियन नेवी में भी लेफ्टिनेंट कमांडर मयंक शर्मा ने ये डिज़ाइन किया और इसके तहत जो ऑक्सीजन क्राइसिस है वो कम्बैट होगा और जो लाइफ है एग्जिस्टिंग ऑक्सीजन सिलेंडर की वो कई गुना 2 से 4 टाइम्स बढ़ जाती है। ओके, नेक्स्ट इज, बहुत सारे उपकरण बने हैं कोविड को लेते हुए, तो वो सारी चीज़ें भी आती रहेंगी। रिसेंटली अप्रूव्ड 2G ड्रग, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करेंगे, ऐसे तो हर रोज़ 10 तरह की चीज़ें बन रही हैं लेकिन सारी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही हम कवर करेंगे। रिसेंटली अप्रूव्ड 2G ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ COVID-19 हैज़ बीन डेवलप्ड बाय। 2G ड्रग अप्रूव हुई है COVID-19 के ट्रीटमेंट के लिए, किस संस्था ने बनाई है, ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई है, DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO ने बनाई है। अब 2G का मतलब क्या है? 2-deoxy-D-glucose, ये इस दवाई का 2DG का एक्सपेंशन है और ये डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी के साथ में मिलके बनाई है। अब DRDO दवाइयाँ नहीं बनाएगा ना, क्योंकि उपकरण वगैरह बनाने में ज़्यादा रहता है, तो डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी के साथ में मिलकर DRDO ने ये बनाई है। नेक्स्ट, हु हैज़ डेवलप्ड आत्मन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ COVID-19 डिजीज इन एक्सरे। यानी कि आप एक्सरे से ही पता लगा सकें कि COVID-19 से आप इन्फेक्टेड हैं या नहीं है, आपको CT स्कैन कराने की जरूरत ना पड़े। इस टेक्नोलॉजी को नाम दिया गया आत्मन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक और ये किसने डेवलप की है? आंसर इज DRDO अगेन। ओके, DRDO, और इस टेक्निक से आपको CT स्कैन नहीं कराना, आप एक्सरे से ही पता लगा सकते हो। आत्मन, आपकी आत्मा तक झांक लेगा ये और बता देगा कि कोविड हुआ है या नहीं हुआ है। नेक्स्ट इज, रिसेंटली हु क्रिएटेड एन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर नेम्ड श्वास। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो कि हवा में से ऑक्सीजन को लेकर के कंसंट्रेट करके आपके बॉडी में डालता है, सो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जिसका नाम है श्वास, ये किसने डेवलप किया? इसरो ने। यहाँ पे DRDO मत मार्क कर देना, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे हम, श्वास इसरो ने। जैसे जब रॉकेट जाता है तो नीचे बहुत सारी हवा फेंकता है ना, तो श्वास उससे आप याद रख सकते हो, श्वास, सांस, श्वास, इन सब में थोड़ा थोड़ा सा फर्क है, ध्यान रखिएगा। कुछ में श्वास आ जाता है, कुछ में सांस आ जाता है ना, कुछ में श्वास SH आएगा, तो इनमें बहुत ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, मिलते जुलते वर्ड्स हैं लेकिन सारे इनिशिएटिव, सारी स्कीम्स डिफरेंट हैं। सो इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने बनाया ये कॉन्सेंट्रेटर और इसी के साथ साथ उन्होंने 3 कॉस्ट इफेक्टिव वेंटिलेटर भी बनाए हैं जिनका नाम है प्राण, वायु और स्वास्थ्य। ओके, वायु और प्राण, प्राण वायु स्वास्थ्य। प्राण वायु अगर आपके अंदर है तो आप स्वस्थ रहोगे, इससे आप याद कर लीजिएगा, 3 कॉस्ट इफेक्टिव वेंटिलेटर्स हैं, प्राण वायु स्वस्थ, और एक श्वास बनाए जो कि कॉन्सेंट्रेटर है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड दी
ऑक्सी केयर सिस्टम किसने बनाया? ऑक्सी केयर सिस्टम ये है कि भाई आपको नर्सेज या किसी ना किसी मेडिकल अटेंडेंट की ज़रूरत पड़ती है देखने के लिए कि कब ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो रहा है बॉडी में, रेगुलेट करे, कब कम हो रहा है तो बढ़ा दें। तो अभी ऑक्सी केयर सिस्टम होगा जो कि ऑटोमेटिकली रेगुलेट करेगा कितनी ऑक्सीजन जा रही है, कब कम करना है, कब ज़्यादा करना है। तो ये किसने बनाया? अगेन DRDO ने बनाया। तो DRDO ने ऑक्सी केयर सिस्टम बनाया, वो आपके ऑक्सीजन की केयर करेगा, है ना, और ये वर्कलोड हॉस्पिटल स्टाफ पे कम कर देगा। रूटीन मेजरमेंट और मैनुअल एडजस्टमेंट नहीं करने पड़ेंगे, खुद कर लेगा। नेक्स्ट इज रिसेंटली ICMR हैज अप्रूव्ड अ किट फॉर इन हाउस टेस्टिंग ऑफ COVID-19। व्हाट इज द नेम ऑफ द किट? ऐसा एक किट बनाया ICMR ने, जिस ICMR ने अप्रूव किया है उसको कि हाँ भाई ये बिल्कुल सही है, आप यूज़ कर सकते हैं, आप घर बैठे अपने कोविड का टेस्ट कर सकते हो, आपको जाकर के टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं। इस किट का क्या नाम है? तो इसका नाम है कोवी सेल्फ। मैं अपने कोविड का सेल्फ टेस्ट कर सकता हूँ, तो कोवी सेल्फ। और ये किसने बनाया है? माई लैब डिस्कवरी सोल्यूशंस ने बनाया है, जिसने कि शुरू शुरू में जो कोविड टेस्ट किट्स बने थे ना, वो भी माई लैब्स में ही स्टार्टिंग में बने थे। तो इन्होंने ही ये सेल्फ टेस्ट बनाया है। पहले हमें जाकर के लैब्स वगैरह में करवाना होता था, लैब के लिए बनाया था किट, अब इंडिविजुअल के लिए बनाया है। रिसेंटली हु डिजाइंड द COVID-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट? डिप कोवैन क्या है? एंटीबॉडी डिटेक्शन किट है, यानी कि आपके अंदर एंटीबॉडीज बनी या नहीं बनी है ये पता लगाने के लिए डिप कोवैन। तो आपके अंदर डिप करेगा और देखेगा एंटीबॉडीज हैं या नहीं है, ठीक है। और ये किसने बनाया? अगेन DRDO ने बनाया। तो इसरो अलग से याद रख लो, जो एक्सेप्शन है वो याद रख लो, श्वास बनाया उसने और प्राणवायु स्वस्थ बनाया, बाकी सब DRDO की कैटेगरी में आप डाल सकते हो। सो ये सीरोलॉजिकल सर्वे में हेल्प करेगा। सीरोलॉजिकल सर्वे क्या है? कितने लोगों के अंदर एंटीबॉडीज हैं वो पता लगाने के लिए सीरोलॉजिकल या सीरो सर्वे बोलते हैं इसको शॉर्ट में, वो किया जाता है। और ये जो टूल किट है ये इसमें हेल्प करेगा। So this was all about the national news. Now moving over to state news. So state news में सबसे पहला सवाल आता है, Recently who was sworn in as the chief minister of Kerala for the second time? अभी बहुत सारे चार पांच स्टेट में इलेक्शंस हुए थे और उनके रिजल्ट्स आए थे, ठीक है। तो अब मुख्यमंत्री चेंज हुए हैं कई जगहों पर। सो सबसे पहले हम देख रहे हैं केरला के चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला दूसरी बार एक व्यक्ति बने हैं, उनका नाम क्या है जो पहले थे? पिनराई विजयन, है ना। करेला खाते आप एकदम विजय वाली फीलिंग आती है, यस मैंने कड़वा करेला खा लिया, तो उससे मैंने याद कराया था पिनराई विजयन, ये वापस CM बनते हैं केरला के। नेक्स्ट आ जाता है असम के मुख्यमंत्री बदले हैं, सर्बानंद सोनोवाल की जगह अब एक और चीफ मिनिस्टर बने हैं असम के, वो कौन है ये आपका सवाल है। हु हैज रिप्लेस सर्बानंद सोनोवाल टू बिकम द 15th चीफ मिनिस्टर ऑफ असम, यानी कि सर्बानंद सोनोवाल को रिप्लेस करते हुए 15 मुख्यमंत्री असम के कौन बने हैं? हेमंत बिस्व शर्मा बने हैं। तो जैसे आसमान विश्व में हर जगह है ना, कहीं गायब थोड़ी होता है आसमान, तो इसी तरह से आसमान से असम और विश्व से विश्व ले सकते हो हेमंत बिस्व शर्मा, और CM सीधे याद रखोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। सो हेमंत बिस्व शर्मा हैज बिकम द 15th CM ऑफ असम रिप्लेसिंग सर्बानंद सोनोवाल। नेक्स्ट, अच्छा चलो यहाँ पे सवाल पूछती हूँ, बताओ भाई गवर्नर बताओ, आसाम के गवर्नर जल्दी बताओ, जल्दी देखो आपको याद है या नहीं। चलिए नेक्स्ट इज हु सोन इन एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु? तमिलनाडु के नए चीफ मिनिस्टर आए हैं, रिप्लेस कर दिया इन्होंने इडप्पी के पलानी स्वामी को। सो इडप्पी के पलाना स्वामी को रिप्लेस करते हुए नए CM कौन बने हैं तमिलनाडु के? मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन, MK स्टालिन के नाम से जाने जाते हैं ना, फुल नेम तो नहीं लिया जाता है, MK स्टालिन, और ये DMK पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टालिन एकदम स्टार जैसे ना, तमिलनाडु के स्टार होंगे तो MK स्टालिन कुछ मिलता जुलता आप याद रख सकते हैं। देन हु रिसेंटली वॉज सोन इन एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ पुडुचेरी? पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी है, लेकिन दो यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जिनके कि चीफ मिनिस्टर्स भी हैं, दिल्ली और पुडुचेरी, है ना, पढ़ चुके हैं हम पहले भी। तो दिल्ली के आपको पता है केजरीवाल हैं, और जो पुडुचेरी हैं उसके जो वापस से CM बने हैं उनका नाम क्या है? एन रंगस्वामी ANRC इनकी खुद की पार्टी है, उसके लीडर भी हैं। और ये इस बार जब CM बने हैं तो एक कोलिशन गवर्नमेंट को लीड करेंगे, BJP की कोलिशन गवर्नमेंट को। उससे बहुत सालों पहले ये नेशनल कांग्रेस का हिस्सा थे, उसके बाद इन्होंने अपनी खुद की पार्टी बना ली और अब ये BJP की कोलिशन गवर्नमेंट को लीड करके CM बने हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर पांडिचेरी या पुडुचेरी के जो
सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी होती है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर होती है, और जो कि तमिलिसाई सुंदरराजन है, ठीक है, और सीएम भी उनको रिपोर्ट करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर को. चलिए, हु हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट वुमन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ असम. एक हिस्टोरिक अगेन न्यूज है जिसमें कि पहली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ना सिर्फ असम पर जितने भी उत्तर पूर्वी राज्य हैं उनमें पहली फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर नियुक्त हुई हैं, अपॉइंट हुई हैं, और उनका नाम है अनंत नियोग. अनंता नियोग, अजंता, अजंता नियोग, अजंता नियोग. दिमाग में कुछ चल रहा होता है, मुंह से कुछ निकलता है मेरे. सो हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ असम एंड ऑल्सो ऑफ ऑल द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स. तो आंसर इज अजंता नियोग. तो इनसे पहले कोई भी जनता नहीं थी, फीमेल जनता एज फाइनेंस मिनिस्टर नहीं थी, जनता नहीं थी, तो अजंता नियोग. और क्योंकि ये पिक्यूलियर नेम है, देखो जो भी चीज़ फर्स्ट होगी उनके नाम आपको सीधे जुबान पे रटे हुए होने चाहिए. आप 10 बार रिपीट करो और इसको दिमाग में सेट करो, और नहीं रिपीट करके सेट करना तो टेक्निक से कर लीजिए. सो उसके अलावा ये कौन सी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आई थी वो भी देख लीजिए. गोलाघाट असेंबली, ईस्टर्न असम. गोलाघाट असेंबली, ईस्टर्न असम. नेक्स्ट इज नेम द रिसेंटली डिक्लेयर डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब. पंजाब में 23rd नंबर की डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर हो गई है, जो कि मुस्लिम पॉपुलेशन प्रधान जगह थी और बहुत टाइम से डिमांड आ रही थी कि इसको अलग डिस्ट्रिक्ट की तरह डिक्लेयर किया जाए, और अब वो हो गया है. सो बहुत लॉन्ग पेंडिंग डिमांड के बाद में मलेरकोटला को अलग डिस्ट्रिक्ट एज 23rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब बना दिया गया, मलेरकोटला. ओके, मर से मुस्लिम और मर से मलेर, छोटा सा हिंट आपके काम आ जाएगा. अच्छा, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में से निकली है? तो ये संगरूर डिस्ट्रिक्ट में से निकल के ये बनी है. तो संगरूर में संग न रह के इसको मलेरकोटला को अलग कर दिया गया है. ओके, चलो नेक्स्ट इज शाही लीची ऑफ बिहार वॉज एक्सपोर्टेड टू विच कंट्री बाय एयर. हाल ही में इस पूरे लॉकडाउन सिनेरियो में भी शाही लीची को किसी कंट्री में एक्सपोर्ट किया गया बाय एयर, और वो कौन सी कंट्री में किया गया? ब्रिटेन के अंदर किया गया. बिहार अपनी शाही लीची के लिए जाना जाता है, वहाँ के जो एनवायरमेंट है, पूरा जो क्लाइमेट है, क्लाइमेटिक कंडीशन है, लीची की खेती के लिए बिल्कुल कंड्यूसिव है, यानी अनुकूल है. और बिहार की शाही लीची को GI टैग भी मिल चुका है, 2018 के अंदर ही मिल गया था. ऑलराइट, सो बस यही इसमें खास बात है और कुछ भी नहीं है. चलिए, चीता विल बी ब्रॉट फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू कूनो नेशनल पार्क इन विच स्टेट. अब देखो इसको अलग अलग तरह से पूछा जा सकता है कि चीते को, जो चीता होता है इंडिया में तो एक्सटिंक्ट हो चुका है, विलुप्त हो चुका है, तो चीता को हम साउथ अफ्रीका से लेकर के आएंगे तो कौन से नेशनल पार्क में लाएंगे, या कौन से स्टेट में लाएंगे, या कहाँ से लाएंगे, कैसे भी पूछा जा सकता है. सो पूरा फैक्ट ध्यान रखना है. दक्षिण अफ्रीका से भारत के किस राज्य के कूनो नेशनल पार्क में चीता लाया जाएगा? कूनो नेशनल पार्क पड़ता है मध्य प्रदेश में. ओके, और वहाँ पे लाया जाएगा, और नवंबर 2021 में आएगा साहब ये. और जो हमारा लास्ट चीता था, जो हमने देखा था, जो देखा गया था, वो 1947 में देखा गया था, और 52 में बिल्कुल जो वो लास्ट जो चीता देखा भी गया था वो भी स्वर्ग से धार गया. सो बस फिर एक्सटिंक्ट कैटेगरी में आ गया ये, और अब 2021 में इसको लेके आया जाएगा. विच स्टेट वॉज द लार्जेस्ट रिसिपियंट ऑफ FDI, यानी कि अब आ गया प्रत्यक्ष विदेशी निवेश. FDI को बोलते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का लार्जेस्ट रिसीवर कौन रहा, कौन सा स्टेट रहा 2020-21 में? सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा FDI कौन से देश से आया? वो तो सिंगापुर से आया, लेकिन कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा FDI आया? तो आंसर इज गुजरात. 37% निवेश जो हुआ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो गुजरात के अंदर हुआ, नंबर वन. नंबर टू पे महाराष्ट्र रहा 27%, और थर्ड पे रहा कर्नाटका. तो गुजरात जो कि बिजनेसमैन का ही एरिया है, वो वैसे समझ लीजिए, पॉलिसीज की वजह से समझ लीजिए, वहाँ पे FDI ज़्यादा आया. देन विच स्टेट गवर्नमेंट डिसाइडेड टू कॉन्फर मनोज दास इंटरनेशनल लिटरेरी अवार्ड. कौन सी सरकार है, राज्य सरकार, जिसने कि डिसाइड किया है कि हम मनोज दास इंटरनेशनल लिटरेरी अवार्ड शुरू करेंगे? तो आंसर इज ओडिशा. ओडिशा सरकार ने डिसाइड किया है कि मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान किया जाएगा. अब ये क्यों किया जाएगा? सो बहुत बड़े लिटरेरी व्यक्ति रहे हैं मनोज दास जी, और उनकी याद में ये शुरू किया जाएगा. एंड इसमें अब दो अवार्ड्स की बात की जा रही है. एक तो की जा रही है मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार, और ये जो अवार्ड है ये लिटरेचर्स फ्रॉम ओडिशा, इंग्लिश लिटरेचर में जो भी बहुत अच्छा काम करेंगे पूरे साल भर में उनको ये अवार्ड दिया जाएगा, जिसमें CM की तरफ से एक लेटर होगा और 10 लाख रुपये का कैश प्राइज होगा. उसके अलावा, कैश नहीं, 10 लाख रुपए का प्राइज होगा. उसके अलावा हाई स्कूल स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए
मनोज किशोर लिटरेरी टैलेंट अवार्ड शुरू किया जाएगा ताकि स्कूल लेवल पे बच्चों के अंदर क्रिएटिव टैलेंट्स डेवलप हो सके। उड़ीसा की जो भाषा है उड़िया, उसमें और इंग्लिश लिटरेचर दोनों में ये काम अच्छा करें तो बच्चों को भी 1,00,000 रुपये का प्राइज और रिकॉग्निशन दिया जाएगा। फिर आते हैं वेदांताज लिमिटेड की एक सब्सिडरी कैन ऑयल एंड गैस कंपनी ने कहाँ पे हाल ही में कौन सी हिल्स में राजस्थान के ऑयल प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है। सो पहले आइडेंटिफाई हो गई थी राजस्थान में कुछ हिल, एक लोकेशन जहाँ पे कि ऑयल के रिजर्व्स देखे गए थे और वहाँ प्रोडक्शन स्टार्ट होना था। तो वेदांता लिमिटेड की एक सब्सिडरी है कैन ऑयल एंड गैस कंपनी और उसने वहाँ पे ऑयल प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया गया है। वो कौन सी हिल्स है राजस्थान की, आपसे सवाल किया जा रहा है और यहाँ पे लिखा नहीं गया है आंसर। ओहो नहीं लिखा गया, ओके मुझे क्यों नहीं दिख रहा था। ऐश्वर्या बाड़मेर हिल्स, आई वॉज लुकिंग इट हियर। सो ऐश्वर्या हिल्स हैं बाड़मेर में, ऐश्वर्या बाड़मेर हिल्स, यहाँ पर प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, फर्स्ट साइट पर चालू हो गया है। और कैन ऑयल और गैस जो है वो इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन कंपनी है, प्राइवेट कैटेगरी में या सेक्टर में अगर हम बात करें तो। यहाँ कुछ तो होता है जिसकी वजह से ना जैसे मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करती हूँ मुझे हर जगह इचिंग स्टार्ट हो जाती है, मे बी द धूल और समथिंग, आई डोंट नो। एनीवेज, सो ये जो प्रोजेक्ट है ये कैन का पहला प्रोजेक्ट है इस साइड पे और यहाँ पे टाइट ऑयल जो होता है टाइट ऑयल पोर्टफोलियो कैटेगरी में जो कंपनी का पूरा एक विजन है उसका 20% यहीं से प्रोडक्शन पूरा हो जाएगा, वो ऐसा सोच के चल रहे हैं। और टाइट ऑयल क्या है, बेसिकली लाइट क्रूड है, जैसे क्रूड एक गाढ़ा क्रूड ऑयल होता है, थोड़ा लाइट क्रूड ऑयल है जो कि सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशंस में से निकाला जाता है, जैसे कि शेल और टाइट सैंडस्टोन्स हैं, इनमें से ये ऑयल क्रूड ऑयल निकाला जाता है, लाइट क्रूड होता है। ओके, सो ऐश्वर्या बाड़मेर हिल्स और वहां से ऑयल प्रोडक्शन होगा, कैन एसोसिएशन ध्यान रखिएगा साथ में। रिसेंटली विद स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस स्मार्ट किचन स्कीम, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्कीम है। स्मार्ट किचन स्कीम यानी कि फीमेल्स को लोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे अपने किचन को स्मार्ट किचन बनाने के लिए, सो मॉड्यूलर किचन स्मार्ट किचन बनाने के लिए। तो कौन से राज्य ने स्टार्ट किया, केरला ने, केरला वाले बोलते हैं अब आप बहुत सारी सब्जियां बनाओगे करेला भी बनाओगे स्मार्ट किचन होगी तो बनाने में मज़ा आएगा खाने में भी मज़ा आएगा, ऐसे आप याद रख सकते हो। सो केरला में स्मार्ट किचन स्कीम और विमेन ऑफ द स्टेट विल बी गिवन लोन्स फॉर रिनोवेशन ऑफ किचन और लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको ये लोन मिलेगा। चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट लॉन्च्ड आकांक्षा पोर्टल, आकांक्षा पोर्टल कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू किया, आंसर इज कर्नाटका। और ये जो है बेसिकली इसमें आकांक्षा पोर्टल में ये अपने आप का इंडिया का पहला ऐसा इनिशिएटिव है जो किसी राज्य सरकार ने किया है। होता क्या है कि हर एक कंपनी को जो एक सर्टेन लेवल ऑफ रेवेन्यू या प्रॉफिट के ऊपर चले जाती है उनको CSR एक्टिविटीज़ करनी ही पड़ती है, यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड इनिशिएटिव लेना ही पड़ता है, ये हमारे पॉलिसी के अंदर है सरकार की सेंट्रल स्कीम के अंदर। सो अब जब CSR एक्टिविटीज़ कंपनी करना चाहती हैं तो उनको पता होना चाहिए कि कौन से एरिया में गवर्नमेंट भी क्या प्लान कर रही है, उनका क्या विजन है, सो उसी के साथ वो भी अपना विजन अलाइन करके और कॉन्ट्रीब्यूशंस कर सकते हैं, पैसा दे सकते हैं, डेवलपमेंट करवा सकते हैं। सो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने एक ऐसी वेबसाइट बनाई जिसका नाम है आकांक्षा पोर्टल, उस पे, और ये UNDP की मदद से बनाई क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं कर्नाटका के UNDP के साथ में, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, कहाँ कहाँ पे कितना कितना डेवलपमेंट करना है कब तक, तो वो इनके खुद के गोल्स भी सेट हैं। तो इन दोनों ने यानी कि कर्नाटका सरकार और UNDP ने मिलकर के एक पोर्टल बनाया आकांक्षा पोर्टल जिसपे की सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंसी से रखी जाएंगी कि हमारे SDG गोल्स क्या हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और ये सारी चीज़ें जो कॉरपोरेट्स हैं वो देख सकते हैं और उसके साथ वो गवर्नमेंट के साथ में मिलकर के कोऑर्डिनेट करके डेवलपमेंट में भागीदारी कर सकते हैं अपने CSR इनिशिएटिव के थ्रू। समझ में आ गई मोटी मोटी बात। चलो, तो टू कनेक्ट कॉर्पोरेट्स विद कर्नाटका गवर्नमेंट फॉर ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी एंड कंप्लायंस। आज मुझे करोड़ों रुपए निवेश करना है, निवेश तो नहीं बोलूंगी मैं, आज मुझे CSR करना है तो मुझे बहुत सारे रुपए डोनेट करने हैं फॉर एग्जांपल, या मुझे कहीं पे लगाने हैं, मुझे स्कूल खोलने हैं, हॉस्पिटल खोलने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, तो मैं कहाँ पे करूँ, आपके स्टेट में कौन से एरिया में डेवलपमेंट कम हुआ है, या आप क्या प्लान कर रहे हो, सरकार के प्लानिंग के हिसाब से अगर हम भी चलें तो हमारा काम और स्मूथली होगा। तो इसी सब को ईजी करने के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया। इट विल इनेबल CSR स्टेक होल्डर्स टू अलाइन CSR गोल्स एंड स्टेट्स SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रायोरिटी। ठीक है, चलिए। सो कोई नाटक नहीं होगा, कॉर्पोरेट कहीं और इन्वेस्ट कर रहा है, सरकार कहीं और इन्वेस्ट कर रही है, दोनों के इन्वेस्टमेंट में और डेवलपमेंट में इतना मजा नहीं आ रहा, साथ मिलके करो, बढ़िया से करो। सो नाटक कुछ भी नहीं होगा, इसलिए कर्नाटका आप याद रख सकते हो। विच
स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अंकुर स्कीम. अंकुर स्कीम कौन सी सरकार ने लॉन्च की है? स्टेट गवर्नमेंट ने, मध्य प्रदेश ने की है. मध्य प्रदेश इज नोन फॉर इट्स फॉरेस्ट, है ना, फॉरेस्ट, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर मध्य प्रदेश में है. सो मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च की है ये स्कीम कि आप पौधे उगाइए, है ना, और अगर आप पौधे उगाते हैं उसकी फोटो खींच के भेजिए, फिर 30 दिन तक उसका ध्यान रखिए, फिर फोटो खींच के भेजिए. इस तरह का एक कॉन्टेस्ट सॉर्ट ऑफ लॉन्च किया उन्होंने, और इसके तहत फिर पुरस्कार दिए जाएंगे, प्राइजेस दिए जाएंगे. सो ये पूरी एक स्कीम है, अंकुर स्कीम. अंकुर होता है ना, जैसे फूटता है तो अंकुर फूटता है, उससे ध्यान रखिएगा. सैपलिंग प्लांटेशन कैंपेन है मानसून के टाइम में, और इसमें जो भी जीतेगा, जो जो लोग जीतेंगे उनको प्राणवायु अवार्ड दिया जाएगा. प्राणवायु, बहुत सारी प्राणवायु आ रही है आजकल. नेक्स्ट इज विच स्टेट्स गवर्नर अप्रूव्ड रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी डैमेज बिल. रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी डैमेज, अगर आप किसी भी कारण से, जब आप धरना दे रहे हो या किसी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, पब्लिक प्रॉपर्टी को उस तरह उस समय डैमेज होता है, कुछ नुकसान पहुंचता है, तो भरपाई भी आप ही को करनी पड़ेगी. उसी ग्रुप ऑफ लोगों को या उसी पार्टी को या उसी संस्था को या जो भी रिप्रेजेंट करे उन्हीं को करनी पड़ेगी जिन्होंने वो डैमेज किया है. ये जो बिल है ये कौन से राज्य सरकार के गवर्नर ने अप्रूव कर दिया, यानी कि फाइनल मुहर लग गई है, आ गया अब ये बिल, और ये है हरियाणा. हरियाणा सरकार के गवर्नर ने मुहर लगा दी कि हाँ जी, अगर आप प्रॉपर्टी राइट, अगर आप प्रॉपर्टी को डैमेज करते हो तो रिकवरी भी आप ही से की जाएगी, हरियाणा. ओके, यही सब यहाँ पे समझाया गया. गवर्नर कौन है हरियाणा के जिन्होंने ठप्पा लगा दिया, मुहर लगा दी है? सत्यदेव नारायण आर्य. और सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर जी. विच स्टेट गवर्नर रिसेंटली लॉन्च स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड इनिशिएटिव. स्टूडेंट को क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा ताकि वो लोन लेकर के अपनी पढ़ाई कर सके और बाद में इसको रीपे कर सके. और ये इनिशिएटिव हाल ही में कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? वेस्ट बंगाल में चालू हुआ है. पहले भी चल रहे हैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम्स, जैसे बिहार में चल रही है. सो अभी वेस्ट बंगाल ने लॉन्च की है, और लो इंटरेस्ट रेट पे 4% पे 10 लाख तक का लोन बच्चे ले सकते हैं और अपनी पढ़ाई के बाद चुका सकते हैं. और दूसरी जो इंपॉर्टेंट स्कीम वेस्ट बंगाल में अभी चल रही है, हाल ही में लॉन्च हुई, लक्ष्मी भंडार प्रोजेक्ट. लक्ष्मी भंडार प्रोजेक्ट के तहत जो मुखिया फीमेल है फैमिली की, उनको कुछ इनकम, बेसिक्स इनकम स्कीम्स हैं जिसके तहत, अगर जनरल वुमेन है जनरल कैटेगरी की तो उनको 500 रुपये महीने का, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हो तो आपको 1000 रुपये महीने तक का मिलेगा फीमेल मुखिया को, ताकि आप अपना, एक तरह से आपकी बेसिक इनकम है ये. ओके, देन दुआरे राशन. दुआरे राशन यानी घर तक फ्री ऑफ कॉस्ट राशन पहुंचाया जाएगा. ये कुछ मंथली राशन, ये कुछ और स्कीम्स हैं जो वेस्ट बंगाल में चल रही हैं. विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द संजीवनी प्रोजेक्ट. कौन सा सरकार है जिसने की संजीवनी प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो आंसर इज हरियाणा. हरियाणा में संजीवनी. अब देखो, संजीवनी बूटी भी हरी हरी होती होगी ना, जब हनुमान जी लेकर के आए थे संजीवनी बूटी हरी हरी, तो संजीवनी प्रोजेक्ट हरियाणा में शुरू हुआ. जो होम आइसोलेटेड कोविड पेशेंट्स हैं उनको संजीवनी परियोजना के तहत बेनिफिट दिया जाएगा, उनकी देखभाल करना और यू नो उनको बेसिकली कुछ ना कुछ उनके लिए चीज़ें करना. सो ये करनाल में अभी एक तरह से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू हुआ, और बाद में बाकी जगहों पे भी किया जाएगा. सो संजीवनी परियोजना या संजीवनी प्रोजेक्ट फॉर होम आइसोलेटेड कोविड पेशेंट्स इन करनाल. देन विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस स्कीम. ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस स्कीम. सो किस राज्य सरकार ने मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस की लॉन्च किया, जहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत कमी भारी मात्रा में पहले हुई थी? महाराष्ट्र में उन्होंने स्टार्ट किया, और स्पेशल इंसेंटिव दिया जाएगा उनको, जो कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन वाले लोग जो कि मेडिकल ऑक्सीजन बनाएंगे उनको स्पेशल इंसेंटिव या स्कीम्स प्रोवाइड की जाएंगी और इंसेंटिव दिए जाएंगे. और ये योजना थी जो कि महाराष्ट्र सरकार ने स्टार्ट की थी. विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस द वात्सल्य स्कीम. वात्सल्य माँ से रिलेटेड होता है, माँ की ममता और प्यार से रिलेटेड होता है. तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने वात्सल्य स्कीम स्टार्ट की? आंसर इज उत्तराखंड. उत्तराखंड, तो ऊपर ठंड में, ठंड ज़्यादा होती है तो मम्मी की गोदी में आ जाओ, मम्मी से हग कर लो, वैसा वाला से याद रख लीजिएगा. उत्तराखंड वात्सल्य स्कीम से जुड़ा हुआ है. अब ये है क्या कि अगर ऑर्फन हो जाते हैं कोई बच्चे कोविड के चलते, उनके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, सो उत्तराखंड गवर्नमेंट विल लुक आफ्टर देयर मेंटेनेंस, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग जब तक कि वो 21 साल के नहीं हो जाते, और उनको मेंटेनेंस अलाउंस मिलेगा 3000 पर मंथ का. तो ऐसे बच्चे जिनके कि पेरेंट्स कोविड-19 की वजह से गुजर गए हैं, उन बच्चों का रख रखाव, उनकी पढ़ाई और उनको एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड ट्रेनिंग सरकार देगी, और साथ ही साथ मेंटेनेंस अलाउंस यानी कि अपना गुजर बसर कर सके उसके लिए 3000 रुपये पर मंथ भी दिए जाएंगे. वात्सल्य स्कीम उत्तराखंड.
नेक्स्ट इज विद स्टेट हैज अनाउंस द इंट्रोडक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर COVID-19 कंपैशनेट अपॉइंटमेंट स्कीम. अब कंपैशनेट अपॉइंटमेंट स्कीम क्या होती है? कंपैशन ग्राउंड पे अपॉइंटमेंट होता है, जैसे गवर्नमेंट में होता ही है कि अगर फैमिली के किसी मेंबर की डेथ हो जाती है तो आप कंपैशनेट ग्राउंड पे अपॉइंटमेंट मिल जाता है. सो चीफ मिनिस्टर COVID-19 कंपैशनेट अपॉइंटमेंट स्कीम कहाँ लागू हुई? मध्य प्रदेश में हुई. इसके तहत अगर डेथ ऑफ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय फ्रॉम कोविड इन्फेक्शन, अगर कोविड से चलते डेथ हो जाती है आपके परिवार के किसी इंसान की, तो कंपैशनेट ग्राउंड पे एम्प्लॉयमेंट दे दिया जाएगा. रिसेंटली विद स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेट अप अ लेजिस्लेटिव काउंसिल. एक ऐसा स्टेट है जिसके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं था, सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली थी, और अधिकतर स्टेट्स के पास लेजिस्लेटिव असेंबली ही होती है. सिर्फ 6 राज्य ऐसे हैं जिनके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल है. ओके, और वो 6 राज्य मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे आपके लिए, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार और यूपी. सो इनके अलावा सबके पास सिर्फ लेजिस्लेटिव काउंसिल है. तो एक ऐसा स्टेट है जिसने कि डिसाइड किया है कि हम लेजिस्लेटिव काउंसिल भी इस्टेब्लिश करेंगे हमारे राज्य में, और वो कौन सा स्टेट है? वेस्ट बंगाल का. ठीक है, अब चलिए बताइए इन 6 में से कौन सा वो ऐसा स्टेट था जिसको, जो सबसे लास्ट में, यानी रिसेंटली, सबसे रिसेंटली सबसे लास्ट में लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसके यहाँ इस्टेब्लिश हुआ है. चलो बताओ जल्दी. नेक्स्ट हम आ जाते हैं, विद स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द कोरोना मुक्त पिंड कैंपेन. ये इंपॉर्टेंट नहीं था, मैं हटाना चाह रही थी बिकॉज नाम से ही समझ में आ जाएगा, कोरोना मुक्त पिंड. पिंड तो गांव, गांव यानी कि पंजाब, पर मैंने हटाया नहीं, मैं भूल गई हूँ, तो पढ़ लीजिए चलिए. सो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने कोरोना मुक्त पिंड कैंपेन शुरू किया? पंजाब ने किया. और जो जितने भी विलेजेस हैं कोविड से जो हिट हुए हैं उनमें कैंपेन चलाया गया. स्पेशल डेवलपमेंट ग्रांट दिया जाएगा 10 लाख का, जिन जो कि 100% वैक्सीनेशन अचीव कर लेंगे, जिनके भी गांव में 100% वैक्सीनेशन हो जाएगा उनको 10 लाख रुपए मिलेंगे. तो ये एक एनकरेजमेंट स्कीम चालू की गई थी. रिसेंटली द आयुष डिपार्टमेंट ने स्टार्टेड अ वेलफेयर प्रोग्राम कॉल्ड आयुष घर द्वार फॉर COVID-19 पेशेंट्स इन विच स्टेट. आयुष घर द्वार नाम से एक वेलनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है, कौन से स्टेट के अंदर? आंसर इज हिमाचल प्रदेश. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के उधर. सो अब इस वेलनेस प्रोग्राम में क्या होगा? जो लोग घर में ही आइसोलेटेड हैं, होम बाउंड हैं, उनको योग, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, इन सब पे इस पोर्टल के थ्रू कोच किया जाएगा. सो टू प्रोवाइड होलिस्टिक हेल्थ केयर टू इंश्योर नॉट ओनली फिजिकल बट मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल हेल्थ ऑल्सो. और ये आयुष घर द्वार कहाँ गया? आयुष घर द्वार चालू किया गया हिमाचल में, और हिमाचल के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय और CM हैं जयराम ठाकुर. नेक्स्ट, रिसेंटली विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू ज्वाइन कोवैक्स अलायंस? कोवैक्स अलायंस ज्वाइन करने वाला या उससे जुड़ने वाला पहला राज्य कौन सा बन जाता है इंडिया का? आंसर इज पंजाब. कोवैक्स अलायंस से जुड़ने के बहुत सारे फायदे हैं. आपको आप ग्लोबल लेवल पे वैक्सीन प्रोक्योर करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो भाई. जैसे अब आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि जो केंद्र सरकार थी वो राज्य सरकारों को बोलने लग गई थी कि आप खुद ग्लोबली प्रोक्योर करना शुरू करो अपनी वैक्सीन्स. तो वो कैसे करेंगे? तो वो उसका एक तरीका है कि आप कोवैक्स अलायंस से जुड़ जाइए. जो कोवैक्सिन है वो इस अलायंस के थ्रू आप प्रोक्योर कर सकते हो कम दामों में भी, और यू नो प्रोसीजर थोड़ा ईज आउट हो जाता है. सो आपके स्टेट में अगर शॉर्टेज है कोविड वैक्सीन की तो आप वैक्सीन को बेस्ट प्राइस पे खरीद सकते हैं. कोवैक्स का जो फुल फॉर्म है COVID-19 वैक्सीन ग्लोबल एक्सेस. अब ऐसा नहीं है कि इंडिया में अवेलेबल होगी तो ही मेरे स्टेट में मिलेगी, नहीं, अब मैं इंटरनेशनली बाय कर सकता हूँ अगर मैं इस अलायंस का हिस्सा बन जाता हूँ. ठीक है, सो इट इज़ को लेड बाय कोलिजन ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन, यानी कि CEPI भी इसको लीड कर रही है, गैवी इसको लीड कर रही है, WHO इसको लीड कर रही है, और की डिलीवरी पार्टनर है इसके यूनिसेफ, यानी कि कोवैक्सिन जो वैक्सीन है आप तक पहुंचाने के लिए डिलीवरी पार्टनर यूनिसेफ भी है. रिसेंटली विद स्टेट पुलिस लॉन्च मिशन हौसला. मिशन हौसला कौन से राज्य की पुलिस ने लॉन्च किया? उत्तराखंड ने लॉन्च किया. उत्तराखंड में अभी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी तो उसके चलते ये लॉन्च हुआ मिशन हौसला, जिसमें कि ऑक्सीजन, बेड, वेंटिलेटर, प्लाज्मा, इन सब में पुलिस का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान हो गया ये सारी चीज़ें अवेलेबल करवाने में. उत्तराखंड स्टेट पुलिस स्टार्टेड द मिशन विद द एम ऑफ हेल्पिंग विद ऑक्सीजन, बेड, वेंटिलेटर. तो मिशन हौसला के हौसला मत खोइए, उत्तराखंड की पुलिस आपके साथ है. देन रिसेंटली विद स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च महतारी दुलार योजना. महतारी किसको बोलते हैं? मम्मी को ही बोलते हैं.
दुलार यानी प्यार होता है। सो महतारी दुलार योजना हाल ही में कहाँ शुरू की गई? छत्तीसगढ़ में शुरू की गई महतारी, ठीक है। अब इस स्कीम के तहत क्या था कि अगेन वो बच्चे जिन्होंने या तो अपने दोनों पेरेंट्स खो दिए कोविड 19 की वजह से, या फिर जो अर्निंग पेरेंट था, माता थी तो माता अगर कमा रही थी या पिताजी थे और वो कमा रहे थे और उनकी मौत हो जाती है कोविड 19 की वजह से, तो सरकार इस महतारी दुलार योजना के तहत बच्चों की पढ़ाई का पूरा मैनेजमेंट देखेगी। सो लुक आफ्टर द स्कूल एजुकेशन, ओके। और इसके चलते अगर आप सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी पढ़ते हो तो आपको एडमिशन में हेल्प किया जाएगा और आपको हर महीने कुछ ना कुछ स्पॉन्सरशिप स्कॉलरशिप भी दी जाएगी अगर आप अच्छा पढ़ाई कर रहे हो। तो ये कहाँ शुरू हुई? महतारी दुलार योजना छत्तीसगढ़ के अंदर शुरू हुई। विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अडॉप्ट डिजिटल या ऑनलाइन फ्लड रिपोर्टिंग? फ्लड के बारे में रिपोर्टिंग ऑनलाइन या डिजिटल मोड से होगी और डेली बेसिस पे होगी। कौन सा स्टेट है? असम है। असम के अंदर मानसून के टाइम में ऑलमोस्ट कंपलसरी है सरकार की तरफ से कि डे टू डे फ्लड की रिपोर्टिंग आपको देनी है कि कितने चांसेस हैं, कितनी परसेंटेज है, हिट करेगा, कहाँ तक इसका इम्पैक्ट हो सकता है, सारी डेली की रिपोर्टिंग होनी होती है। तो फर्स्ट स्टेट है इंडिया में जो कि डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग करेगा, असम। असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी और यूनिसेफ, इन्होंने साथ में ये डेवलप किया है ऑनलाइन फ्लड रिपोर्टिंग सिस्टम। असम में कौन सी नदी है जो कि फ्लड कॉज करती है? ब्रह्मपुत्र, ठीक है। फर्स्ट म्यूकरमाइकोसिस यूनिट ऑफ द कंट्री वर प्रिपेयर्ड इन विच स्टेट? ऐसा पहला कौन सा राज्य था देश का जिसमें कि म्यूकोरमाइकोसिस के लिए यूनिट तैयार की गई थी, यानी कि वहां पे उसका ट्रीटमेंट हो सके, उसका पूरा सेटअप कर दिया गया था। म्यूकोरमाइकोसिस क्या है? ब्लैक फंगस। सो मध्य प्रदेश के अंदर ये पहला सेटअप लगाया गया था, 10 बेड्स का इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जहाँ पे कि आई डोंट नो, मुझे देख नहीं रहा है, फ्लैश लाइट आ रही है। सो 10 बेड्स की कोई फैसिलिटी बनाई गई थी कि यहाँ पे ब्लैक फंगस का ट्रीटमेंट होगा। म्यूकोरमाइकोसिस लाइक आई टोल्ड यू ब्लैक फंगस डिजीज है और ये आँख पे इम्पैक्ट करती है, अगर ट्रीट ना की जाए तो आपकी विजन जा सकती है। और जो कोविड पेशेंट्स हैं जिनको ट्रीटमेंट चल रहा था तो स्टेरॉइड्स की वजह से, या फिर अगर आप डायबिटिक थे और आप में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा पंप इन किया गया या फिर स्टेरॉइड ज़्यादा दिए गए, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिली थी। हाँ, 10 बेड्स ये लिखा हुआ है। सो मध्य प्रदेश ने ब्लैक फंगस ट्रीटमेंट के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भोपाल और जबलपुर में 10 बेड फैसिलिटी ईच सेटअप की थी। और म्यूकोरमाइकोसिस के लिए एम्फोटेरिसिन बी दवाई है जो कि रिक्वायर्ड रहती है, ये भी ध्यान रखिए कि एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है ऐसी पिक्यूलियर बातें। एम्फोटेरिसिन बी। रिसेंटली विच स्टेट हैज लॉन्च चीफ मिनिस्टर कोविड ट्रीटमेंट स्कीम? चीफ मिनिस्टर कोविड ट्रीटमेंट स्कीम यानी मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना हाल ही में कहाँ पे शुरू हुई? तो मध्य प्रदेश में हुई। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, हर स्टेट में हो रही हैं, पर जो जो इम्पोर्टेंट है वो हम लेकर के आए। फ्री कोविड ट्रीटमेंट होगा इकोनॉमिकली वीकर फैमिलीज के लिए, जैसे कि राजस्थान ने बोला कि जो इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस स्टार्ट किया था उसमें कोविड का भी मुफ्त इलाज होगा, है ना, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस में कवर होगा। मध्य प्रदेश ने ये बोला कि जो इकोनॉमिकली वीकर तबके हैं, जो कि फिनेंशियली इतने स्टेबल नहीं है, उनका हम लोग फ्री कोविड ट्रीटमेंट देंगे, बाकियों को तो आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। फिर हम आते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड आयुर्वेदिक टेली मेडिसिन फैसिलिटी फॉर कोरोना पेशेंट्स? यानी कि आयुर्वेदिक टेली मेडिसिन यानी कि आप ऑनलाइन सलाह वगैरह ले सकते हो, मेडिसिन के बारे में पूछ सकते हो। कौन सी मेडिसिन? आयुर्वेदिक मेडिसिन, है ना, कोरोना पेशेंट्स। अगर आप कोविड पेशेंट हो और आपको चाहिए कि नहीं, हम एलोपैथी में इतना बिलीव नहीं करते, हमें आयुर्वेदिक उपचार वगैरह के बारे में जानना है, तो आप ये कर सकते हो। हरियाणा ने शुरू की है, हरी हरी जड़ी बूटियाँ और वही आयुर्वेद में यूज होती हैं, तो हरियाणा याद रखेंगे। हरियाणा गवर्नमेंट ने आयुर्वेदिक टेली मेडिसिन फैसिलिटी कोरोना पेशेंट्स के लिए स्टार्ट की है। आप आयुर्वेदिक मेडिसिन की इन्फॉर्मेशन फोन पे ले सकते हैं, ओके। देन रिसेंटली विच स्टेट हैज़ इम्पोज्ड अ कम्प्लीट बैन ऑन ग्लाइफोसेट बेसिकली एक हर्बिसाइड है, वीडिसाइड है, रादर हर्बिसाइड नहीं बोलेंगे, वीडिसाइड है। सो जो खरपतवार हो जाती है, वीड्स उग जाते हैं बीच बीच में, उनको मारने के लिए ग्लाइफोसेट एक केमिकल होता है, लेकिन ये बहुत नुकसान करता है मिट्टी को भी और ह्यूमंस में भी, आसपास के अगर फसलों पे ये रह जाए इसके पार्टिकल्स और कंजम्पशन में आए तो ह्यूमन को भी बहुत नुकसान करते हैं। और ये पानी जब यहाँ से बह के नदियों में जाते हैं वो सारा पोल्यूशन कॉज करता है। सो ग्लाइफोसेट के यूज़ पे कंप्लीट बैन एक राज्य ने हाल ही में लगाया, वो कौन सा राज्य है? तेलंगाना। बोले आपका एक एक वीड निकालने में तेल निकल जाए भले से, लेकिन आप ये ग्लाइफोसेट का इस्तेमाल नहीं करोगे वीड को कल करने के लिए। यानी अब किसानों ने क्या देखा कि भाई बहुत आसान होता है, ग्लाइफोसेट डाल दो और सारे वीड्स मर जाएंगे, लेकिन
कौन से किसान खास तौर पे इसको यूज करते हैं? कॉटन की खेती करने वाले, और कॉटन में भी HTBT कॉटन की जो खेती करते हैं वो इसको यूज करते हैं। और HTBT में आपको बता दूं, हर्बिसाइड टॉलरेंट BT कॉटन एक वैरायटी है, जो कि एक एडवांस वैरायटी है जिसको कि डेवलप किया गया है ना। और ये जो कॉटन है, ये हर्बिसाइड या वीडिसाइड है, ये उस कॉटन के प्लांट पे भी छिड़क जाए तो प्लांट को नुकसान नहीं होता। इसलिए फार्मर्स यूज़ करते हैं कि हमें एक एक खरपतवार निकालनी नहीं पड़ेगी, छिड़क दो पूरे खेत पे, हमारी फसल को भी नुकसान नहीं और सारी खरपतवार मर भी जाती है, वीड्स मर जाते हैं। लेकिन नुकसान किसको होगा? उस कॉटन को जो बाद में यूज़ करेंगे, या इस खेतों में से पानी जिन नदियों में जाएगा वहाँ नुकसान होगा। तो ग्लाइफोसेट कॉन्ट्रोवर्शियल वीड डिस्ट्रॉयर है, कॉटन फील्ड्स में वीड को मारने के लिए काम में लिया जाता है और इसके एडवर्स इम्पैक्ट होते हैं सॉइल और ह्यूमन हेल्थ में। इसे तेलंगाना ने हाल ही में इसको मना किया है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड पर्वत धरा योजना? पर्वत और धरा, धरा मतलब धरती, सो पर्वत धरा योजना। कहाँ पर पर्वत और धरा? पर्वत ज़्यादा हिमाचल साइड, तो हिमाचल से याद रख लीजिएगा, हिमाचल प्रदेश, हिमालय से कर सकते हो। पर्वत धरा योजना ये बेसिकली है कि खुदाई कर करके थोड़े पौंड जैसे एरियाज बना दिए जाएंगे ताकि जो पानी आता है पहाड़ वगैरह से तो वो उनमें स्टोर हो जाए और धीरे धीरे जो अंडर वाटर है वो रिप्लेनिश हो जाए। अंडर वाटर में भी जो टू बूस्ट वाटर लेवल्स, बस इतना ही है, ठीक है? तो अंडर वाटर जो लेवल्स हैं वो थोड़े बढ़ जाएँ तो पानी एकदम जो आता है वो बह के निकल जाता है वो ना हो, इसके लिए पर्वत धरा योजना की शुरुआत की है हिमाचल प्रदेश ने। द इंडियन आर्मी हैज़ इनॉग्रेटेड फर्स्ट ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट इन विच स्टेट। जो इंडियन आर्मी है उसने अपनी नीड्स को मीट करने के लिए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहा, और ऐसा कहाँ पे पहली बार हुआ कि उन्होंने ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट बना लिया। खुद तो नहीं बनाया, किसी की मदद से बनाया ऑफ कोर्स, लेकिन इस्टेब्लिश किया आर्मी बेस पे, और वो हुआ सिक्किम में। और किसकी मदद से हुआ ये? IIT बॉम्बे की मदद से उन्होंने ये पूरा सोलर पैनल इस्टेब्लिश कर लिया सिक्किम के अंदर। ओके, द नेम ऑफ द जस्टिस हु रिसेंटली डिक्लेयर्ड हिज इंटेंशंस, एक बहुत बड़ी खबर आई थी अखबार में और एक बहुत प्रोग्रेसिव खबर थी बेसिकली, उसी से रिलेटेड ये सवाल है कि वो कौन से जस्टिस हैं, हाईकोर्ट जस्टिस हैं, उनका नाम बताइए, जिन्होंने हाल ही में डिक्लेयर किया था अपनी इंटेंशंस कि वो साइको एजुकेशन सेशन लेना चाहते हैं एक एक्सपर्ट के साथ ऑन LGBTQI+ मैटर्स, यानी कि LGBTQI जो कम्युनिटी है उससे रिलेटेड पूरा कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं, एक काउंसलिंग लेना चाहते हैं, साइको एजुकेशन सेशन लेना चाहते हैं, ताकि जो उनके पास एक केस आया था कि LGBTQI कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं बट पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सो उस केस के अंदर वो ढंग से अपनी सुनवाई कर सके और वर्डिक्ट दे सके। तो एक बहुत प्रोग्रेसिव सोच इन्होंने दिखाई कि ठीक है, हम क्योंकि सिर्फ मेल और फीमेल प्रायोरिटी या फिर प्रोमिनेंस वाली सोसाइटी में रहते हैं तो हम वहीं तक रेस्ट्रिक्टेड ना रहें, बाकी कम्युनिटी भी हैं जो माइनॉरिटी में ही सही, बहुत कम नंबर्स में ही सही, पर उनके राइट्स भी राइट्स हैं। और इसको ध्यान में रखते हुए साइको एजुकेशनल सेशन लेने की इन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की थी। उन जस्टिस का नाम है जस्टिस N. आनंद वेंकटेश और ये मैड्रास हाईकोर्ट के हैं। ओके, अ वेरी प्रोग्रेसिव न्यूज, दैट इज वाई थॉट ऑफ शेयरिंग विथ यू। जो बच्चे आंसर राइटिंग वगैरह करेंगे वो यूज कर सकते हैं पर्टिकुलरली। LGBTQI क्या है? लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वेश्चनिंग और इंटरसेक्स कम्युनिटी से जो लोग बिलोंग करते हैं वो इसमें आते हैं। सो विद दिस गर्ल्स एंड बॉयज, माय डियर स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए अलग अलग सोर्सेज से अपने लेवल पे, परचम से, और जो भी रिविजन, अच्छा परचम ऐप के ऊपर रिविजन टेस्ट आते रहते हैं, एनीबडी कैन अटेम्प्ट इट, तो प्लीज जाइए उसको ट्राई करते रहिए। जो भी हम पढ़ते हैं उससे रिलेटेड शॉर्ट एक रिविजन टेस्ट वहाँ डल जाता है, और PDF जो मैंने पढ़ा, इंटरनेशनल नेशनल स्टेट सब मिला करके PDF, एक कॉमन PDF आपको वेबसाइट में मिल जाएगा। ऐप के ऊपर आपको पूरे PDF बैंक सब्सक्रिप्शन एनुअल मिल जाएगा, और सोशल मीडिया पे आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। तो जुड़ जाइए हर जगह से अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो, और जल्दी ही मिलते हैं इंटरनेशनल एंड मिसलेनियस न्यूज़ के साथ में। तब तक टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।